Hey friend, today I'm going to teach Oxford Current Translation Present Perfect and हमारा एक्सरसाइज आज का है 115। चलिए इसको हम प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप इसे इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल सीखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर भी करते रहें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन सभी के पास होता है, उनको ये बुक वीडियो दे देंगे तो वो काफ़ी उनको फ़ायदा होगा और काफ़ी बेहतर होगा। ये अच्छा काम है, नोवल वर्क है, किसी को आप नॉलेज बांट रहे हैं। आप उन्हें वीडियो का लिंक जरूर दें क्योंकि आप उनके साथ गलत नहीं कर रहे हैं। जो आप गलत वीडियो, बहुत सारे लोग इधर उधर की वीडियो करते हैं, वो यूजलेस होता है, उससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आप इसे सही शेयर करेंगे तो आप नॉलेज बांट रहे हैं, आप हर एक की नज़र में अच्छे होंगे, तो कुछ अच्छा भी कर लेते हैं। और चलिए इसी के नाम पर हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो है एक्सरसाइज 15। वह पटना जाना चाहता है, क्या होगा सर बताइए बताइए, कोशिश कीजिए। वो पटना जाना चाहता है तो क्या होगा, ही वॉन्ट्स गो टू पटना। अब देखिए यहाँ पर पटना है जो गोल कर दीजिए, यहाँ पर आप फिर से बोलिए, पूरा को बोलिए। आप बोलिए वो दिल्ली जाना चाहता है, तो इतना तो आपको बोलना ही पड़ेगा और यहाँ पर दिल्ली चेंज करना। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर दिल्ली, लेकिन आप चेंज करेंगे। ही वॉन्ट्स गो टू पटना, ही वॉन्ट्स गो टू दिल्ली, He wants to go to Ranchi, he wants to go to school. ऐसे करके आप प्रैक्टिस करें, है ना। आप ये भी लगा सकते हैं, क्यों जाना चाहते हैं भाई, टू ईट टू रीड, है ना। तो आप इस प्रकार से आप चेंज भी कर सकते हैं कि एक और सेंटेंस जोड़ दें, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो, वो काम करने के लिए गया, क्या हुआ, ही हैज गॉन टू वर्क, ही हैज गॉन टू वर्क, ठीक है। रीता खेलने गई है, क्या होगा, रीता हैज गॉन टू प्ले। अब यहाँ पर आप चाहें तो इससे भी गोल कर दें एक नया, Rita has gone, देखिए इतना मैं बोल रहा हूँ फिर यहाँ पर चेंज करना, Rita has gone to eat, Rita has gone to, इतना तो आपको चेंज ही नहीं करना। देखिए बिल्कुल कितना आसान है, सिर्फ लास्ट में इसको जाओ इसको चेंज कर दो, खाना पीना इतना कर दो और अपने से बोल सकते हैं आप इसे, एक बार देख लीजिए और बोलते रहिए, राइट। चलते, मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, आई हैव वॉन्टेड टू हेल्प यू, नाम चेंज कर दीजिए यहाँ पर, आई हैव वॉन्टेड टू हेल्प राम, उसने इस कार्य को करना चाहा है, क्या होगा, He has wanted to do this work. He has wanted to do this work. अब यहाँ पर लिख सकते हैं to earn money, to win the match, to pass the examination. पूरा को बिल्कुल वैसे बोलिए, He has wanted to do this work, to pass the examination. He has wanted to do this work, to earn money. उसने सफलता पाने की कोशिश किया, क्या होगा, He has tried to get success. He has tried to get success. अब यहाँ पर लिख सकते हैं in the examination, in the race, in the match, जो भी आपको लगे। नेक्स्ट चलते, तुमने इस कार्य को करने की कोशिश नहीं की है, क्या होगा, यू हैव नॉट ट्राइड टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट चलते हैं, राम ने तुम्हारी मदद करनी नहीं चाहिए, तो पहले नहीं चाहिए होगा यानी राम नहीं चाहिए, बाद में ये निकल के आएगा तुम्हारी मदद करना, तो राम हैज नॉट वांटेड टू हेल्प यू, वह कार्य करने नहीं गई है, क्या होगा, शी हैज नॉट गॉन टू वर्क, शी हैज नॉट गॉन टू प्ले, यहाँ चेंज कर सकते हैं। तुम्हारा भाई एक ग्लास पानी लाने के लिए गया था, क्या हो, योर ब्रदर हैज गॉन टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बहुत अच्छा आपने बोला, सरकार ने गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या होगा, गवर्नमेंट हैज वांटेड, है ना, गवर्नमेंट हैज वांटेड टू हेल्प द पुअर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोगों ने कुछ करना नहीं चाहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, You have not wanted to do. You have wanted to do nothing. Yeah, you have not wanted to do anything. भी हो सकता है। अगला है क्या? देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ पहले, तो निश्चित है कि have has पहले आ जाएगा present perfect में। क्या उन लोगों ने मैच जीतने की कोशिश की है? तो have they tried to win the match? देखिए फिर क्या पहले आया? Have has पहले आ जाएगा। क्या सीता ने वाल्स सीखने की कोशिश की है? Has Sita tried to learn translation? क्या उन लोगों ने नहीं जानना चाहा है? Have they not wanted to know? Have they not wanted to play? क्या उन लोगों ने खाना नहीं चाहा है? तो ईट लग जाएगा। क्या फिर आ गया? Have पहले आएगा। क्या सीता ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है? Has Sita tried to speak English? आपने कब, अब देखिए कब डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, पहले आ जाएगा ये। आपने कब कुछ करना चाहा है? When, when, when have you wanted to do something? फिर क्या आ गया पहले? Have पहले आएगा। क्या तुमने उसकी मदद करनी चाहिए? Have you tried, sorry, आपने चाही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने tried कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होगा? Wanted। और अगर यहाँ पर कोशिश रहती, क्या
आपने उनकी मदद करने की कोशिश की है तो ट्राइड, अच्छा ही है तो वांटेड, तो यहाँ पे वांटेड लगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, राइट। आपने परीक्षा पास करने के लिए क्या किया है, व्हाट हैव यू डन टू पास द एग्जामिनेशन, तुम लोगों ने कैसे इस काम को करना चाहा, हाउ हैव यू वांटेड टू डू दिस वर्क, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं क्विकली और इसे फिनिश करते हैं। सरकार ने कब गरीबों को उत्थान के लिए कुछ करना चाहे, तो सबसे पहले तो कब हो गया देख लीजिए आप यहाँ पर, कब, तो निश्चित है वेन आएगा, तो वेन हैज गवर्नमेंट वांटेड टू डू समथिंग टू अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मैंने होता उत्थान करना, ऊपर उठना। चलिए नेक्स्ट सेट चलते हैं, आपने अपने रहन सहन का ऊंचा स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या किया, तो व्हाट हैव यू डन टू अपलिफ्ट योर मोड ऑफ लिविंग, वेरी गुड। क्या पहले आ गया फिर से, हैव हैज लगेगा, क्या आपने कभी मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की है, Have you ever tried to make friendship with me? Have you ever tried to make friendship with Sita? चेंज कर सकिए यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे। वो क्या मारने गया, तो what has he gone to kill? वो क्या खरीदने के लिए गया, what has he gone to buy? सीता क्या करने गई, what has Sita gone to do? सीता क्या पढ़ने गए, what has Sita gone to read? यहाँ पर चेंज कीजिए बिल्कुल। क्या वो गाना गाना चाहती है, देखो डूडा जो आ गया भाई, चाहती है, चाहिए नहीं चाहती है। तो does she want to sing a song? उसने सुबह से क्या करना चाहा है, देखे चाहता नहीं चाहा है ना, और क्या पहले बीच में है, तो ये वाट लग जाएगा, वाट। व्हाट हैज ही वांटेड टू डू सिंस मॉर्निंग, आई होप कि काफी अच्छा लगा होगा आपको, तो प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए, और जितना जल्दी हो सके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आप हमारा ये काम करते रहें, ताकि आप एक शिक्षा का माध्यम बने किसी के लिए, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकता। शिक्षा को फैलाइए, क्योंकि शिक्षा की ही कमी हमारे देश में, और हर चीज़ तो है ही सभी के पास, अगर शिक्षा नहीं होगा तो हम लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे, ठीक है, और शिक्षा से हम लोग बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ सकते हैं कि एजुकेशन अच्छा है, अच्छा था, अच्छा रहेगा, इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली। थैंक यू वेरी मच।